यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द बाण पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, सब्सक्राइबर बंधुओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा ही रहस्यमय और अद्भुत है, जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का विवाह कैसे हुआ था, किस राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाली थी। तो श्रोताओं, जो इसके लिए हमें कमेंट प्राप्त हुआ है, वो कमेंट करने वाले भाई हैं श्री लालचंद मीणा जी। लालचंद जी ने अपना एड्रेस तो लिखा नहीं है, परंतु वो प्रश्न लिखते हैं कि लव कुश की शादी कैसे संपन्न हुई, बताने की कृपा करें। तो भाई लालचंद जी, हमने आपका प्रश्न ले लिया है और आपके प्रश्न पर वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। तो आइए भक्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे चलते हैं अपनी कथा पर। हे श्रोताओं, पूर्व देश के एक महान अधिपति राजा भूरकीर्ति थे। भूरकीर्ति के घर दो सुंदर, सुशील और रूपवान कन्याओं का जन्म हुआ। एक कन्या का नाम चंपिका और दूसरी कन्या का नाम सुमति था। हे श्रोताओं, दोनों कन्याएं चंद्रमा के समान सुंदर और गुणों वाली थी। हे श्रोताओं, दोनों कन्याएं जब विवाह के योग्य हो गईं, तो एक दिन राजा भूरकीर्ति की रानी उनसे कहने लगी कि हे महाराज, हमारी दोनों कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं और आप इनका विवाह संपन्न कीजिए। तो महारानी की बात सुनकर के राजा भूरकीर्ति ने अपने समस्त सभासदों को सभा में एकत्र किया और अपनी कन्या का विवाह करने का विचार समस्त गुरुओं और मंत्रियों के सामने रखा। तो इस पर समस्त मंत्रियों ने महाराज से पूछा कि महाराज, आपकी क्या शर्त है। तो इस पर राजन बोले कि हमारी कन्याएं जिसके गले में वरमाला डाल देंगी, उसी के साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो हे श्रोताओं, राजा ने समस्त अपने मंत्रियों से कहा कि जितने भी राष्ट्र हैं, राज्य हैं, समस्त देशों के राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया जाए। तो हे श्रोताओं, समस्त दूत राजा का आदेश सुनके विभिन्न देशों में गए। जितने भी देश थे, उन समस्त देशों में द्राविड़ देश, मगध देश, अवंतिका और उस समय जितने भी राज्य थे, मथुरा इत्यादि राज्यों में दूत पहुंचे और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए राजा भूरकीर्ति ने स्वयं एक स्पेशल, एक विशेष दूत को भेजा और उस दूत से कहा कि आप भगवान श्री राम को परिवार सहित यहाँ आने का निमंत्रण दे करके आए। तो हे श्रोताओं, वह दूत राजा भूरकीर्ति की पत्रिका लेकर के भगवान श्री राम के पास पहुँचता है। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान थे, अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी एक दूत का आगमन होता है। उस दूत को भगवान श्री राम ने बड़े स्वागत के साथ, सम्मान के साथ आसन दिया और दूत ने वह पत्रिका निकाल करके भगवान श्री राम को सौंप दी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा वह पत्रिका पढ़वाई। पत्रिका पढ़ने के बाद भगवान श्री राम ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने समस्त सेनापतियों को आदेश दिया कि पूर्व देश को चलने की तैयारी की जाए। और समस्त चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, आठ पुत्र थे। आठों पुत्रों को सुसज्जित होने का भी आदेश दिया गया। तो भगवान श्री राम समस्त रानियों सहित और आठों पुत्रों सहित और चारों भाइयों सहित भूरकीर्ति के देश को चल देते हैं। हे श्रोताओं, भूरकीर्ति ने महाराज अयोध्या नरेश भगवान श्री राम का बड़ा ही भव्य स्वागत किया और जितने भी नरेश उनके वहाँ पधारे थे, समस्त नरेशों ने भी भगवान श्री राम का बड़ा ही स्वागत किया। हे श्रोताओं, स्वागत के पश्चात भगवान श्री राम को विशेष अतिथि गृहों में ठहराया गया। अन्य राजाओं से अलग थे, बड़े ही सुसज्जित थे। हे श्रोताओं, दूसरे दिन स्वयंवर का आरंभ हो गया। स्वयंवर आरंभ के समय
समस्त राजागण अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और वहीं पर भगवान श्री राम अपने समस्त भाई और पुत्रों सहित भी विराजमान थे। हे श्रोताओं, राजा भूरकीर्ति की दोनों पुत्रियां चंपिका और सुमति अपनी वृद्ध दासियों के साथ स्वयंवर में अपना पति खोज रही थी। जो सुमति थी उसके साथ एक सुनंदा नामक दासी चल रही थी और चंपिका के साथ एक नंदा नामक दासी चल रही थी। तो चंपिका अग्निकोण से चलती हैं और सुनंदा ईशान कोण से चलती है। दोनों अलग अलग दिशाओं से राजकुमारों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रही हैं। दोनों की दासियां राजकुमारों का वर्णन करती हैं और उनके बारे में विस्तार से बताती हैं, परंतु चंपिका उन पर ध्यान नहीं देती है। चंपिका धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। कभी द्राविड़ नरेश के पास पहुंचती हैं तो कभी मगध नरेश के पास पहुंचती है, लेकिन चंपिका किसी भी नरेश पर ध्यान नहीं देती है। हे श्रोताओं, धीरे धीरे चंपिका की दासी नंदा उसे भगवान श्री राम के पास ले आती है और कहती है कि ये भगवान श्री राम हैं, अयोध्या नरेश हैं, परंतु एक पत्नी व्रती हैं। ये बात सुनकर के चंपिका पुनः आगे बढ़ जाती है और भगवान श्री राम के जितने भी पुत्र थे उन्हें देखती हुई आगे चल देती हैं और भगवान श्री राम का पुत्र कुश जहाँ विराजमान था उसके पास पहुंच जाती हैं। नंदा कुश के बारे में बताती है कि ये भगवान श्री राम के पुत्र हैं और वर्तमान में अयोध्या के नरेश हैं। अयोध्या का राज्य इन्हीं के भाग में बटा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने राज्य को विभाजित कर दिया था आठों पुत्रों के लिए। ये बात सुनकर के चंपिका ने कुश के गले में वरमाला डाल दी। हे श्रोताओं, राजा भूरकीर्ति बड़े प्रसन्न हुए और दूसरी पुत्री जो सुमति थी वह दूसरी दिशा से अपनी दासी सुनंदा के साथ चलती हुई राजकुमारों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी दासी सुनंदा भी राजकुमारों की भव्यता और उनके बल का वर्णन करती हुई सुमति को आगे लेकर धीरे धीरे चल रही थी। हे श्रोताओं, हंस के समान चाल वाली सुंदरी रूपवान कन्या सुमति अपने पति को खोजती हुई आगे बढ़ रही थी, परंतु कोई भी राजकुमार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह कन्या धीरे धीरे चलती हुई भगवान श्री राम के पुत्र लव के पास आ जाती है और सुनंदा से लव के बारे में जानना चाहती है। तो सुनंदा ने बताया कि ये भगवान श्री राम के दूसरे पुत्र लव हैं, ये बड़े ही रूपवान और गुणवान हैं, बड़े ही धनुर्विद्या में निपुण, जिन्होंने अपने पिता श्री भगवान राम को भी हरा दिया था, ऐसे महान पराक्रमी हैं। ये बात सुनकर के सुमति भगवान श्री राम के पुत्र लव के गले में वरमाला डाल देती है। हे श्रोताओ, इस तरीके से कुश के गले में चंपिका ने वरमाला डाल दी और लव के गले में सुमति ने वरमाला डाल दी। राजा भूरकीर्ति बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। दोनों पुत्री भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। हे श्रोताओ, दान स्वरूप राजा भूरकीर्ति ने भगवान श्री राम को हाथी घोड़े और अन्य जो भी दान उसकी श्रद्धा अनुसार था अपनी कन्याओं को देकर के विदा किया। हे श्रोताओ, भगवान श्री राम अपनी वधुओं सहित अयोध्या आ जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों का विवाह हुआ। और कुश की एक शादी का वर्णन मैंने और पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय की बात है, भगवान श्री राम तो अपने परम धाम को चले जाते हैं और कुश और रानी चंपिका, जो कि कुश अयोध्या नरेश थे, रानी चंपिका के साथ सरयू में स्नान कर रही थी। कुश का एक कंगन उस सरयू नदी में गिर जाता है और उस कंगन को एक कुमुद नामक सर्प की बहन
कुमुदमती ले जाती है। कुमुदमती उस कंगन को लेकर के अपने महल में चली जाती है। उसी सरयू में एक नाग रहता था। हे श्रोताओं, जब कुश ने ये देखा तो उन्होंने सरयू पर अपना धनुष संधान किया और सरयू से बोले कि मैं तुम्हें इसी समय सुखा देता हूँ, नहीं तो मेरा कंगन मुझे लौट आएगी। इस पर माता सरयू उस नाग के पास जाती है और उससे कहती हैं कि भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश बड़े ही क्रोधित हैं और वो मुझे सुखाने के लिए तैयार हैं और सुखाने के बाद तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। इस पर कुमुद डर जाते हैं और अपनी बहन कुमुदती के साथ सरयू के तट पर आते हैं और वह कंगन कुश को सौंप देते हैं और जो अपनी बहन कुमुदती थी उसका विवाह भी कुश के साथ कर देते हैं। तो हे श्रोताओं, जो पहली रानी चंपिका थी उसके गर्भ से कोई भी पुत्र या संतान पैदा नहीं हुई, परंतु दूसरी रानी कुमुदती के गर्भ से जो कि एक नाग कन्या थी एक अतिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर के सूर्य वंश का आधार हुआ और इसी से आगे सूर्य वंश का विस्तार हुआ। तो हे श्रोताओं, इस तरीके से मैंने आज आपको भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश के विवाह का वर्णन किया है। तो भाई लालचंद मीणा जी, इस तरीके से भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।